और इस कहानी की शुरुआत होती है बेन टेनिसन से। वो एक तालाब में नहा रहा था और अपनी ही दुनिया में खोया हुआ होता है, जिसके बाद वहाँ पे ग्वेन आती है और बेन को दुनिया का सबसे बड़ा नमूना कहती है। बेन ग्वेन को पानी के अंदर आने के लिए कहता है ताकि वो दोनों उसे एंजॉय कर पाए। ग्वेन बेन को मना कर देती है और कहती है, मुझे नहीं पता कि इस पानी के अंदर में कितनी भयानक चीजें तैर रही होंगी। बेन जवाब देता है, अगर तुम्हें ये सब एंजॉय ही नहीं करना था तो हम सब यहाँ पे कैंप फायर करने क्यों आए हैं। और इतना ही कहते ग्वेन के ऊपर में पानी फेंक देता है, जिससे ग्वेन काफी गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। ग्वेन को जाते हुए देख के बेन पानी में डूबने का नाटक करता है, जिसे देख के ग्वेन डर जाती है और डरते हुए तालाब के किनारे आती है। और तभी वो देखती है कि पानी के अंदर से एक विशाल ड्रैगन बाहर निकल रहा है, जिसे देख के ग्वेन काफी डर जाती है और गिर जाती है। तभी टॉर्च के उजाले से पता चल जाता है कि वो ड्रैगन कोई और नहीं फोरआर्म्स है, जो कि ग्वेन को डराने के लिए उसकी फिरकी ले रहा था। ग्वेन बेन से बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी अब खैर नहीं जब ये बात मैं ग्रैंडपा मैक्स को बताऊंगी। और इतना ही कहने के बाद में ग्वेन वहां से चली जाती है। और उसके बाद बेन उसका मजाक उड़ाता है कि ये कितनी बेवकूफ है, भला पानी के अंदर में कौन सा मॉन्स्टर हो सकता है। बेन के इतना ही कहने के बाद में वहां पे एक सच का ड्रैगन आ जाता है, जो कि फोरआर्म्स के ऊपर में बिना कहे सुने अटैक करना स्टार्ट कर देता है और उसे पानी के अंदर खींच ले जाता है। फोरआर्म्स पानी के अंदर में उस बड़े सी ड्रैगन को देख के काफी ज्यादा डर जाता है और जैसे तैसे उसके चंगुल से पीछा छुड़ा के वो बाहर निकल जाता है। जिसके बाद में फोरआर्म्स टीम टेनिसन के पास में जाता है और कहता है, अभी अभी मेरे ऊपर एक लेक मॉन्स्टर ने हमला किया है। ग्वेन जवाब देती है कि अब बस भी करो, अभी अभी ये जोक तुमने मेरे ऊपर अप्लाई किया है। ग्रैंडपा मैक्स भी बेन की बात नहीं सुनते और कहते हैं कि मुझे कुछ देर आराम की जरूरत है तो मुझे सोने दो। फोरआर्म्स कहता है, इस बार मैं सच कह रहा हूँ, पर उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता है। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। अगली सुबह टीम टेनिशन फिशिंग के लिए जा रहे थे और बेन ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन को उस ड्रैगन के बारे में बता रहा था, पर वो दोनों अभी भी बेन की बात पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे और उसे कहते हैं, बेटे हो सकता है जो तुमने कल देखा वो कोई बड़ी मछली हो। जिसके बाद टीम टेनिशन फिशिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। ग्वेन काफी सारे कीड़ों को देख के घबरा जाती है और ग्रैंडपा मैक्स से कहती है, ग्रैंडपा मैं सोच रही थी कि आप सब फिशिंग करने चले जाओ और मैं यहाँ पे रह के यहाँ के नजारों का मजा ले लेती हूँ। ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन की बात को मान जाते हैं और कहते हैं, तुम अपना ध्यान देना, पर तुम्हें ये नहीं पता कि फिशिंग क्या चीज होती है, तुम बहुत अच्छी चीज को मिस करने वाली हो। जिसके बाद ग्रैंडपा मैक्स एंड बेन कैप्टन शॉ के बोट पे चले जाते हैं फिशिंग करने के लिए। ग्रैंडपा कैप्टन शॉ से पूछते हैं, इस तालाब में आखिर में क्या क्या है पकड़ने के लिए। कैप्टन शॉ जवाब देता है, अजी आपके जरूरत की सारी चीजें हैं, जो भी आपको पसंद हो वो उठा लीजिए। तभी ग्रैंडपा बेन को देखते हैं और कहते हैं, कि आखिर में तुम ये कर क्या रहे हो। बेन जवाब देता है कि मैं बस उस लेक मॉन्स्टर को ढूंढ रहा हूँ ताकि इस बार वो मुझे डरा ना पाए और मैं उसकी छुट्टी कर दूं। और तभी लेक में तैरती हुई ड्रैगन की आकार की एक लकड़ी को देख के बेन डर जाता है, पर वो लकड़ी जब तैरते तैरते बोट के पास आती है तो ग्रैंडपा मैक्स बेन को समझाते हैं कि लेक मॉन्स्टर जैसा कुछ भी नहीं होता। तभी कैप्टन शॉ जवाब देता है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो उसका नाम क्रैकन है। बेन के पूछे जाने पे कैप्टन शॉ जवाब देता है कि उस क्रैकन की जानकारी जुटाना ही तो मेरा काम है, अजी मैं सालों से उसके पीछे पड़ा हूँ और लोग मुझे पागल कहते हैं, और बस इतना ही नहीं, लोग सदियों से उस क्रैकन को इस झील में देखते आ रहे हैं और अगर आपको सच में वो क्रैकन देखना है तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ जहाँ पे मैंने पहली बार उसे देखा था। अगर आप एडवेंचर के भूखे हो तो आपको ये जरूर पसंद आएगा। कैप्टन शॉ के इतना ही कहने के बाद में बेन ग्रैंडपा मैक्स को कन्विंस कर लेता है, जिसके बाद में वो सब क्रैकन की खोज में आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद में कैप्टन शॉ बेन को अपने शिप में मौजूद सारे इक्विपमेंट्स को दिखाता है और कहता है कि आज रात मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगा। अभी ग्रैंडपा मैक्स बेन को साइड ले जाके समझाते हैं, देखो बेटी मैं नहीं चाहता कि तुम कैप्टन शॉ की बातों पे ज्यादा ध्यान दो, मुझे लगता है कि उनका दिमाग थोड़ा सा खिसका हुआ है। बेन जवाब देता है कि वो पागल है बस इसी वजह से क्योंकि उन्होंने मेरे जैसे ही क्रैकन को देखा है। और इतना ही कहने के बाद में वहां से चला जाता है, जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। झील में काफी आगे बढ़ जाने के बाद में वो डू नॉट इंटर का साइन देखते हैं। ग्रैंडपा मैक्स कैप्टन शॉ से पीछे चलने को कहते हैं, पर कैप्टन शॉ उनकी बात नहीं सुनता और कहता है कि ये मेरा झील है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। तभी वहाँ पे एक और बोट आ जाती है और कैप्टन शॉ से आगे बढ़ने के लिए मना करती है। उस शिप का कैप्टन जॉन मिलविल बताता है, हमने झील के इस हिस्से की इन्वायरमेंटल स्टडी करने के लिए रोक लगा रखा है, तो कृपया करके आप अपनी बोट को पीछे
पीछे ले जाइए। कैप्टन शॉ कहता है अगर नहीं मोड़ा तो क्या कर लोगे। इतना ही सुनने के बाद में ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं, बरखुरदार आज के लिए मैंने तुम्हारी बोट को बुक किया है, तो इंचार्ज मैं होता हूँ और मेरे कहने पे तुम्हें पीछे चलना ही पड़ेगा। कैप्टन शॉ ग्रैंडपा मैक्स की बात को मान लेता है। तभी बेन ग्रैंडपा मैक्स से पूछता है कि आखिर में फिर उस क्रैकन का क्या होगा। दूसरे बोट का कैप्टन जॉन मिलविल उसकी बात को सुन के हंसने लगता है और कहता है कि मैं एक मरीन का साइंटिस्ट हूँ और जो लोग ये क्रैकन वाली बातें करते हैं तो मैं बता दूं कि ये बस एक घिसी पिटी बात है, इस पे भरोसा मत करो। जिसके बाद वहाँ से वो दोनों बोटे जाने लगती है। तभी कैप्टन शॉ के रडार पे कोई उनके पास आता हुआ ट्रैक हो रहा था और तभी टीम टेनिसन एंड कैप्टन शॉ उस बड़े क्रैकन को देखते हैं जो कि ग्वेन की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा था। कैप्टन शॉ अपने बोट से काफी तेज हॉर्न बजाते हैं ताकि ग्वेन और बाकी के लोग वहां से हट जाएं, पर ग्वेन को ये बेन का मजाक लगता है और तभी पानी के अंदर से वो बड़ा क्रैकन बाहर निकल जाता है जिसे देख के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और भागने लगते हैं। और क्रैकन के हमले से काफी सारे लोगों के साथ में ग्वेन भी पानी के अंदर में गिर जाती है। कैप्टन शॉ चिल्लाने लगता है कि मैंने सच बोला था, क्रैकन असलियत में होता है। वहीं दूसरी साइड ग्रैंडपा मैक्स बेन से कहते हैं कि किसी को तो इन सब की जान को बचाना होगा। तभी बेन झील के अंदर में कूद जाता है। वो रिपजॉस में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है पर एक्सलार रेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ओमनीट्रिक्स के ऊपर में गुस्सा करता है, जिसके बाद में एक्सलार रेट अपने फुल स्पीड का यूज करके पानी में मौजूद सारे लोगों को बाहर निकाल देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि अब वो क्रैकन FOF के बोट के पीछे पड़ा हुआ है और बेन भी उसके पीछे लगा हुआ होता है। क्रैकन उनकी बोट के ऊपर में अटैक करता है और दूसरे अटैक से जैसे ही उनकी बोट को पलटने को आगे जाता है, एक्सलारेट पानी का भंवर बना देता है और FOF की बोट को डूबने से बचा लेता है। जिसके बाद में क्रैकन एक बार वापस से उनकी बोट के ऊपर से कुछ ले जा रहा था, जिसे बचाने के लिए बोट का कैप्टन उसे रोकने लगता है। एक्सलारेट भी उसकी मदद करता है और क्रैकन को काफी बुरी तरीके से धोता है, जिस वजह से क्रैकन उस बॉक्स को वहीं पे छोड़ के चला जाता है। बोट के लोग एक्सलारेट को थैंक यू बोलते हैं उनकी मदद करने के लिए। तभी एक्सलारेट उनसे पूछता है कि आखिर में इस बॉक्स में ऐसा क्या है जिस वजह से तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी। बोट के लोग बोलते हैं कि ये कुछ खास नहीं, बस हमारा खाना था। एक्सलारेट को ये बात काफी अजीब लगती है। तभी क्रैकन का एक हाथ आता है और उस बॉक्स को पानी के अंदर में लेके चला जाता है। इसी बीच ओमनीट्रिक्स का भी बीप बजने लगता है और बेन वहां से निकल जाता है, जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। बेन ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन को बता रहा था कि मैं सच कह रहा था, क्रैकन सच में होता है। ग्रैंडपा मैक्स बेन की बातों पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बात तो सच निकली, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस शॉ के साथ में रहोगे, वो सच में एक पागल इंसान है और इस बार ये क्रैकन वाला मामला एक्सपर्ट ही संभालें। बेन ग्रैंडपा मैक्स की बात से नाखुश होता है। तभी वहां पे कैप्टन शॉ बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। बेन उससे पूछता है कि आखिर में बात क्या है। कैप्टन शॉ जवाब देता है कि उन मछली के दीवानों ने पूरे झील को ही बंद कर दिया है और अब मुझे बोट चलाने के लिए भी मना कर रहे हैं, पर मुझे उस क्रैकन को पकड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके बाद में हम देखते हैं अपनी बोट लेके वापस से क्रैकन की तलाश में निकल पड़ा है। वहीं दूसरी साइड रस बकेट के अंदर में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन को पता चल जाता है कि बेन चोरी छुपे कैप्टन शॉ के शिप में चढ़ चुका है। कैप्टन शॉ बेन को बताता है कि उन मछली के दीवानों ने उस क्रैकन को गहरे पानी के अंदर में भेज दिया होगा और अब उसे बाहर निकालने का या ढूंढने का बस एक ही जरिया है, उसके सामने एक जिंदा चारे को रखना पड़ेगा। और इतना ही कहने के बाद में कैप्टन शॉ पानी के अंदर में क्रैकन को ढूंढने चला जाता है। बेन भी देखता है कि अंडर वाटर सूट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और वो भी कैप्टन शॉ के पीछे चल देता है। पानी के काफी अंदर जाने के बाद में कैप्टन शॉ और बेन को उस क्रैकन का एग दिखता है। जिसके बाद कैप्टन शॉ अपनी बोट में वापस जाता है तो देखता है वहाँ पे FOF के लोग आ चुके हैं और उसे बोट में घसीट लेते हैं। जिसके बाद FOF के लोग कैप्टन शॉ को मारने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर में पानी के अंदर में तुमने क्या देखा। बेन भी ये सारी चीजें देख रहा था। वो एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश तो करता है पर ओमनीट्रिक्स अभी डिस्चार्ज था। जिसके बाद में FOF का कैप्टन उस जगह पे एक ट्रैकर गिरा देता है ताकि वो वापस आके वहाँ पे जांच कर पाए और कैप्टन शॉ के शिप में बॉम्ब फेंक देता है, जिसके बाद उनकी शिप पूरी तरीके से टूट जाती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान बेन की वॉच भी चार्ज हो गई थी और वो FOF की टीम का पीछा करता है। जिसके बाद में स्टिंग फ्लाई FOF की टीम को सरेंडर करने को कहते हैं, पर वो लोग स्टिंग फ्लाई की बात को कहां मानने वाले थे। वो उन पे अटैक करते हैं, जिसके बाद में स्टिंग फ्लाई गीला हो जाता है और पानी के अंदर में गिर जाता है। शिप का कैप्टन जैसे ही स्टिंग फ्लाई को पानी में डूबा हुआ देखता है, वो अपनी बोट से उसे रौंदना चाहता है,
और अपनी बोट को उसकी ओर आगे बढ़ा देता है, पर स्टिंग फ्लाई अपने लेम से अपनी जान बचा लेता है, जिसके बाद में शिप का कैप्टन शॉ को पानी के अंदर में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद में स्टिंग फ्लाई कैप्टन शॉ को पानी में डूबने से बचा लेता है और उड़ता हुआ टीम टेनिसन के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद में बेन ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन को FOF के बारे में सारी चीजें बताता है और बताता है कि वो क्रैकन अपने अंडों को उनसे बचा रहा था। ग्वेन भी कहती है कि मैं तुम्हारे जाने के बाद FOF के बारे में चेक कर रही थी और मुझे पता चला वो कोई एनवायरमेंटल लवर नहीं, वो एक मुजरिम है और इस वजह से उन्हें जेल भी हुई थी। बेन कहता है कि हमें अब उन्हें रोकना होगा। कैप्टन शॉ जवाब देता है कि भले ही तुम कुछ भी करो, पर उस क्रैकन को तो मैं ही मारूंगा और मेरे पास एक एक्स्ट्रा बोट पड़ी हुई है, जिसके बाद में टीम टेनिसन कैप्टन शॉ की नई बोट में बैठ जाते हैं। कैप्टन शॉ रस्सियां छुड़ा रहा था और रस्सी छूटते ही टीम टेनिसन उसकी बोट लेके चले जाते हैं, क्योंकि कैप्टन शॉ के इरादे क्रैकन को लेके सही नहीं थे। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि FOF के मेंबर्स उस क्रैकन के अंडों को तालाब से बाहर निकाल रहे थे और FOF का कैप्टन कहता है कि सबसे अमीर बोली लगाने वालों को हम ये अंडे बेचेंगे और बहामा बीच पे उसके बाद आराम करेंगे। इसी दौरान टीम टेनिसन भी वहां पे पहुंच जाते हैं। बेन उनसे कहता है कि तुम सब अंडे ढूंढो और मैं FOF को सबक सिखाता हूं। और इतना ही कहने के बाद में वो रिप जॉस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी वहां पे क्रैकन भी आके FOF के लोगों के ऊपर में अटैक करता है ताकि वो अपने अंडे को वापस से ले जा सके। FOF के भी मेंबर्स उस क्रैकन के ऊपर में अटैक कर रहे थे और उनका कैप्टन उन अंडों को बचा रहा था और क्रैकन के ऊपर में लेजर गन से अटैक कर रहा था। तभी वहां पे रिप जॉस आ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें एक मॉन्स्टर को परेशान ही करना है तुम मुझे आजमा के देखो। और जैसे ही कैप्टन जॉन मिल रिप जॉस के ऊपर में अटैक करने जाता है, रिप जॉस अपने तीखे दांतों से उसके मशीन को फाड़ डालता है। इसी दौरान क्रैकन का एग भी उसके हाथों से छूट जाता है और रिप जॉस उसे सेफ जगह लेके जाने लगता है, पर कैप्टन जॉन मिल रिप जॉस का पीछा करता है और कहता है तुम हीरो तो अच्छे हो पर अकल के कच्चे हो। और इतना ही कहने के बाद में वो रिप जॉस को बहुत बुरी तरीके से मारता है और अंडों को लेके जाने लगता है, पर रिप जॉस हार नहीं मानता। वो कैप्टन जॉन मिल को वापस से रोकता है और बुरी तरीके से अटैक करता है। इसी दौरान रिप जॉस क्रैकन के अंडों को भी अपने मुंह में पकड़ लेता है ताकि वो सेफ रहे। रिप जॉस के पास अपने अंडे देख के क्रैकन उसके ऊपर में अटैक करता है और अपने अंडों को ले जाने लगता है, जिसे देख के कैप्टन जॉन मिल सोनिक वेव से क्रैकन के ऊपर में अटैक करता है, जिससे क्रैकन को बहुत तकलीफ होती है और उसके हाथों से उसके अंडे छूट जाते हैं। और उन तीनों के पकड़म पकड़ाई के बीच में रिप जॉस के हाथों में वापस से अंडे लग जाते हैं और वो अंडों को ले जाके क्रैकन के स्थान पे रख देता है, जिसके बाद में क्रैकन रिप जॉस के ऊपर में अटैक नहीं करता और अपने अंडों को सेफ रखने लगता है। कैप्टन जॉन मिल एक बार वापस से अंडे को छीनने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस बार क्रैकन उसके बहुत गुस्सा हो जाता है और वो जॉन मिल के सबमरीन को फाड़ डालता है और जैसे ही उसको खाने की कोशिश करता है, रिप जॉस क्रैकन को रोक देता है। क्रैकन के रुक जाने के बाद में रिप जॉस जॉन मिल को बहुत तेज पंच मारता है, जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। रिप जॉस जॉन मिल को पानी के बाहर टांग देता है ताकि पुलिस उसके लिए जेल ढूंढ पाए। वहीं दूसरी साइड कैप्टन शॉ रिप जॉस को अपने जाल में पकड़ लेता है और बहुत खुश होता है कि उसने क्रैकन के एक अंडे को पकड़ लिया। पर ओमनीट्रिक्स का बीप बजने के बाद में ग्रैंडपा मैक्स उसे कहते हैं कि एक बार ढंग से देखो, क्या तुम सही इंसान को पकड़े हो। कैप्टन शॉ बेन को देख के अचंभित हो जाता है और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।